हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 32 इंच डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग सीखेंगे। यह हमारा अस्तर का फैब्रिक है और यह मेन फैब्रिक है। सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पे ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। इस तरह से अस्तर के फैब्रिक को डबल में फोल्ड करके रख लेना है। उसके बाद हम बंद साइड से ब्लाउज़ की लंबाई का निशान लगाएंगे। ब्लाउज़ की तैयार लंबाई है 13.5 इंच, तो उसमें 1 इंच ऐड करके हम 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे। थोड़ी दूर और एक 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर। आर्म होल भी डाउन करेंगे हम 5.5 इंच पर। यहाँ पे हम सीना का निशान लगाएंगे। सीना का निशान हम चौथा भाग करके लगाते हैं। 32 का चौथा भाग करेंगे 8 इंच आएगा, तो 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे आर्म होल की गोलाई देने के लिए। इस तरह से आर्म होल की गोलाई देंगे। उसके बाद हम आर्म होल की फिटिंग मापेंगे यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से मेजर टेप को रखते हुए गोलाई में हम इसकी फिटिंग मापेंगे। आर्म होल की तैयार फिटिंग है 7 इंच पर, हमारा गोलाई 6 इंच आ रहा है, तो इसको हम फिर से बढ़ाएंगे। इस तरह से हम 1/2 इंच अंदर डाउन करके इसको ड्रॉ कर लेंगे। जो भी आर्म होल की तैयार फिटिंग है उतना ही गोलाई में रखें, इससे हमारा आर्म होल टाइट नहीं होगा और साइड की जो सिलाई है वो सीधी आती है। अब हम दोबारा से आर्म होल की फिटिंग माप लेंगे। इस तरह से यह परफेक्ट 7 इंच आ रहा है। यहाँ पे हम 2 इंच सिलाई मार्जिन रख देंगे। नीचे हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर साइज है 27 इंच, उसका चौथा भाग निकालेंगे 7.25 इंच आएगा। 7.25 पे हम एक निशान लगाएंगे और इसमें हम 3 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। कमर में 3 इंच सिलाई मार्जिन रखते हैं, 1 इंच हमें टक्स के लिए रखना होता है। दोनों निशान को हम इस तरह से मिला देंगे। अब हम गले का निशान लगाएंगे। ब्लाउज के बैक साइड का पट्टी है 2 इंच, तो हम 1 इंच ऐड करके 3 इंच पे निशान लगाएंगे नीचे से। इधर साइड से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम नेक विड्थ का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। इस निशान को नीचे तक हम मिला देंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसमें गले का शेप बना लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी गले का शेप बना सकते हैं। मैं मटका गला का शेप बना रही हूँ। यहाँ पे हम 4.5 या 5 इंच पर निशान लगाएंगे टक्स के लिए और इस निशान से ऊपर 5 इंच तक एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों साइड हम टक्स में 1/2 इंच सिलाई मार्जिन रखते हैं। यहाँ पे हम 1/2 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे। इस निशान को यहाँ तक तिरछा जोड़ देंगे इस तरह से। यहाँ पे 1/2 इंच कट करने से जो ब्लाउज के साइड में रिंकल्स बनते हैं वो नहीं बनेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे एक कट लगा लेंगे। गले की कटिंग और इधर की कटिंग हम बाद में करेंगे, फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद। अब हम कपड़े को दोबारा से डबल में फोल्ड करके रख लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम 1/2 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे। फ्रंट पार्ट को हम बैक पार्ट से 1/2 इंच बड़ा कट करते हैं। यहाँ पे हम 1/2 इंच हुक आई के लिए कपड़ा छोड़ देंगे। अब हम इस पे बैक पार्ट को रखेंगे जहाँ पे हमने निशान लगाया है
वहाँ पे ही कपड़े को रखना है इस तरह से। इसके बाद हम एज इट इज मार्क कर लेंगे। इसमें से बैक पार्ट को हटा देंगे। अब हम इसमें कपड़ा बढ़ाएंगे। यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आर्म होल के पास से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। दोनों निशान को इस तरह से सीधा मिला देंगे। आर्म होल को आधा इंच डाउन कर देंगे इस प्रकार से। यहाँ पे हम जो सिलाई मार्जिन रखे हैं हुकाई के लिए उसको छोड़ते हुए मेजर टेप को इस तरह से रखेंगे और 4.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। शोल्डर से नीचे 10 इंच पे एक और हम 4.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से दोनों निशान को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे। जितना कपड़ा हम इधर बढ़ाते हैं उतना ही बीच में यहाँ पे भी गैप रखते हैं। उसके बाद हम 2 इंच तक एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस निशान को इस तरह से हल्का सा राउंड देते हुए मिला देंगे। इस निशान को हम आर्म होल तक मिला देंगे। यहाँ पे हम गले का निशान लगाएंगे 7 इंच पर। सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हम 2.5 इंच तक एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। गले का शेप दे देंगे। यहाँ पे हम 1 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे। इस निशान को यहाँ तक तिरछा मिला देंगे जिस तरह से हमने बैक पार्ट में किया था। फ्रंट पार्ट में हमें 1 इंच ऊपर करके कटिंग करना है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम बैक पार्ट के भी गले की और इधर साइड की कटिंग कर लेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। इस तरह से कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड कर लेना है। बंद साइड से हम स्लीव की लंबाई का निशान लगाएंगे। स्लीव की तैयार लंबाई 2 इंच है तो इसमें 1 इंच ऐड करके हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। थोड़ी दूर और एक 3 इंच पे निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। अब हम इस पे जो भी हमारे आर्म होल की तैयार फिटिंग है उसमें 1/2 इंच माइनस करके उतने पे निशान लगाएंगे। आर्म होल की तैयार फिटिंग 7 है तो मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया। इस तरह से इसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम इसमें स्लीव ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम 2.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। स्लीव में हम 2.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। हाथ की गोलाई का निशान लगाएंगे 6 इंच पर और इसमें हम 2 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। अगर आपका बाजू ज्वाइंट करते टाइम छोटा या बड़ा हो जाता है तो इस तरह से बैक पार्ट को लेंगे। 1/2 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ के हम आर्म होल को इस पे रख के इस तरह से माप लेंगे। यह हमारा 1/2 इंच बड़ा आ रहा है इसलिए हम 1/2 इंच इसलिए बड़ा रखते हैं क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमें थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा लगता है स्लीव ज्वाइन करने में। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
दोनों स्लीव को कट करके अलग कर लेंगे। सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद हम स्लीव को इस तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद दोनों स्लीव को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और फ्रंट साइड के लिए हम आधा इंच इस तरह से गहराई देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। सभी पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक पे इसको कट करेंगे। इस तरह से मेन फैब्रिक को भी हम डबल में फोल्ड करके रखेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे इस तरह से। मेन फैब्रिक को हम आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए कटिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के बाद हम इसको कट करके निकाल देंगे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा। फ्रंट पार्ट को अस्तर के फैब्रिक के बराबर ही कट करेंगे क्योंकि दोनों फैब्रिक की हम अलग अलग सिलाई करेंगे। ये वाले पार्ट को भी हम एकदम बराबर कट करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेना है। स्लीव की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से फोर लेयर में कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। स्लीव को हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इसकी स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी भी साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग चाहिए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, मैं आपको उस पर वीडियो बना के ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू।